हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय वीडियो और ऐप अड्डा की वीडियो के अंदर आपका स्वागत है चलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे मेटे और वीपेन एप्लीकेशन के बारे में जी हाँ फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन क्या है इस एप्लीकेशन को प्रॉपरली आप अपने मोबाइल के अंदर कैसे यूज़ करोगे ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ जितना मज़ेदार दोस्तों इस एप्लीकेशन का इंटरफेस है जितना मज़ेदार दोस्तों इस एप्लीकेशन का यहाँ पर आपको फेस दिख रहा है उससे कई ज़्यादा मज़ेदार आज की वीडियो होने वाली है इस एप्लीकेशन को बिल्कुल सही से यूज़ करने का तरीका भी मैं बताने वाला हूँ इस एप्लीकेशन की सच्चाई भी मैं यहाँ पर आपको इसे इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ अगर आप इस एप्लीकेशन की सच्चाई नहीं देखेंगे तो आपके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ आप देख सकते हो इंटरनेट यहाँ पर आपका योर वन क्लिक के अंदर यहाँ पर आप कनेक्शन कर सकते हो सेकर् फास्ट वीपीएन सर्वर मिल जाती है अनब्लॉक वेबसाइट एंड एनी एप्लीकेशन को करता है वन क्लिक में कनेक्शन यहाँ पर आपका हो जाता है एनी माउसली कनेक्शन कर सकते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेटे और वीपेन एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा वेट कर लेना है एप्लीकेशन को पूरी प्रॉपरली आपको यहाँ पर ओपन होने देना है थोड़ा सा हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं

ऑटोमेटिकली भी रेंडम सर्वर के अंदर कनेक्ट हो जाता है अगर आपको सर्वर सिलेक्ट करके कनेक्ट करना है तो ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको सर्वर का ऑप्शन आ जाता है इस पर आपको क्लिक कर लेना है और दे, देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर आपको कितने सारे सर्वर मिल जाते हैं अनलिमिटेड सर्वर मिल जाते हैं कोई भी सर्वर पर क्लिक करके ईजिली आप अपना वीपीएन कनेक्ट कर सकते हो तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको डेमो के लिए एक सर्वर पर क्लिक करके बता देता हूँ जैसे कि ये सर्वर पर मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया अब यहाँ पर आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट आ जाती है तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना उसके बाद देख सकते हैं कनेक्टिंग आपकी हो जाएंगी और कुछ ही सेकंड में सिंपली वन सेकंड में आपका वीपेन कनेक्ट हो जाएगा वन क्लिक में आपका वी कनेक्ट हो जाएगा देख सकते हो कनेक्टेड सक्सेसफुली हो चुका है वन क्लिक के अंदर यहाँ पर मेरा वीपेन कनेक्ट हो चुका है टाइमिंग मेरी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से बैक आकर भी मैं बता देता हूँ इस तरह से वीपीएन कनेक्ट होने के बाद आपको इंटरफेस दिखाई देगा जो स्टार जो रहता है वो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से विजिट होते ही दिखाई देगा इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन का यूज़ करके वीपीएन को कनेक्ट कर सकते हो डिसकनेक्ट करना है ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है आपका वीपीएन पी ईजिली डिसकनेक्ट हो जाएगा सही से यूज़ करने का तरीका मैंने बता दिया है और वीडियो अच्छी लगी हूँ तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब